नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सट्रीम टीचिंग विद लिप्जिथ में टुडे टॉपिक इज थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में आपको डायमेंशनल एनालिसिस और उसके यूजेस के बारे में बताया था तो हम फर्स्ट यूज उसका कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड चेकिंग द फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं तो आज का टॉपिक जो है हमारा हमारा डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड यूज है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बट फॉर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन द डायमेंशन एनालिसिस दैट इज ओनली दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर विच हैव सेम डायमेंशन कहने का मतलब है कि जो डायमेंशनली सेम होंगे वो ही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वेलोस्टी कैन बी वेलोसिटी वेक्टर, और वो वापस क्या बनाएगा वेलोस्टी ही बनाएगा वेलोस्टी में आपका लेंथ ऐड नहीं हो सकता दिस कैनॉट बी एडेड फोर्स वेक्टर में फोर्स का कंपोनेंट ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा इसी तरह से लेंथ लेंथ में length का कंपोनेंट ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो चलते हैं हम सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो आर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड दशन ऑफ ए अपॉन बी ए डिवाइड बाय बी है इन द रिलेशन आपको रिलेशन गिवन है दिस प्रेशर पी इक्वल टू ए एक्स प्लस टी बी टी के हियर P आपका प्रेशर है एक्स डिस्टेंस है टी टाइम है तो प्रेशर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी तो प्रेशर हमारे पास ये इक्वेशन में गिवन है तो इस फैक्ट को इंप्लीमेंट करते हुए प्रेशर कैन बी एडेड प्रेशर और सब्ट्रैक्टेड। प्रेशर प्रेशर में प्रेशर का कंपोनेंट ही ऐड करेगा सब करेगा तो इसी को, इसी रूल को को रूल इंप्लीमेंट कर दे यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है तो राइट हैंड साइड में भी प्रेशर हो होगा क्योंकि हमारा फॉर्मूले डायमेंशनल फॉर्मुलेनल इक्वेशन तभी बनती है इट मींस ये पूरा प्रेशर का प्रेशर है इट इटमीन्स ए एक्स भी प्रेशर है और बी टी भी प्रेशर है तो हम ए एक्स को एज प्रेशर पुट कर सकते हैं तो हमने डिमेंशन किसके निकालने ए के तो P अपॉन एक्स आ गया तो प्रेशर के डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम वन एल वन एल माइनस वन टी माइनस टू तो नीचे x क्या है डिस्टेंस तो वो हो गया एल वन फॉर आफ्टर कम्बिनेशन यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो बन रहा है आपका वो बनेगा एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू सिमिलरली इसी तरह से हम बी टी स्क्वेयर को भी क्या पुट करेंगे प्रेशर तो इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू क्या आ रही है पी टी स्क्र तो अगेन प्रेशर के डायमेंशन आप पुट करते हो और नीचे टी है टाइम का स्कोर हो रहा है तो आपके फॉर्मूला क्या बन रहा है एम वन एल माइनस वन टी टू ऊपर जाके बन जाएगा माइनस फोर तो हमने बी के डायमेंशन और ए के डायमेंशन फाइंड आउट कर ले बट हमारा क्वेश्चन है a अपॉन बी निकालना तो हम दोनों के डायमेंशन को डिवाइड कर देते हैं तो m1 एल माइनस टू टी माइनस टू अपॉन एम वन एल माइनस वन टी माइनस फोर सॉरी अलग अलग आएगी इनकी स्क्र ब्रैकेट तो एम वन एम वन कट गया तो एल माइनस वन ऊपर जाएगा तो माइनस टू प्लस वन टी माइनस टू प्लस फोर और एम जीरो तो फाइनली आपके ए अपॉन बी के डिमेंशन आते हैं एम जीरो एल माइनस वन टी माइनस टू इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके अननोन फिगर्स अननोन क्वांटिटीज जो हैं, उनके डिमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ आर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन वॉल इक्वेशन आप सभी जानते वंडर वॉल इक्वेशन क्या होती है पी प्लस ए बी स्क्वेयर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी वट आर द डिमेंशन ऑफ इनमें हमारे पास ए और बी कोई अननॉन्स हैं, उनके उन्होंने डिमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हेयर पी जो है एज वी नो प्रेशर होता है वी वॉल्यूम है टी टेम्परेचर है और आपका गैस कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें आपको गिवन है ए और बी के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं हम अगेन प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि सेम क्वांटिटीज के डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन ना तो एड नॉट बी एडेड और सब्ट वो एड नहीं होते सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम क्वेश्चन में चलते हैं तो आप ध्यान दीजिए हम फर्स्ट ब्रैकेट में यदि दिस वन इज प्रेशर देन ए अपॉन वीर इज ऑल्सो प्रेशर तो हम इसी का यूज करके तो करेंगे कि जो आपका है प्रेशर कैन बी एडेड सेम प्रेशर क्वांटिटी ओके देन एपोन वी स्केयर इज इक्वल टू प्रेशर ठीक है तो ए का निकालना तो ए क्या बनेगा प्रेशर इन टू वी स्केर ठीक है तो एज वी नो आप सभी को प्रेशर के डायमेंशन पता है तो वॉल्यूम के डायमेंशन पता है तो आप इनकी दोनों की वैल्यूज पुट करो प्रेशर के डायमेंशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करें तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू वॉल्यूम के क्या होते हैं एल क्यूब तो उसका स्केयर हो जाएगा तो आफ्टर कम्बिनेशन एम वन यहां पर एल माइनस वन है ये सिक्स बन रहा है तो कॉम्बिनेशन के बाद क्या आ जाएगा एल फाइव टी माइनस टू इसी तरह से हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में दिस इज वॉल्यूम तो वॉल्यूम कैन बी बाय वॉल्यूम तो आपका बनेगा v इज इक्वल टू वॉल्यूम तो इंप्लाइज दैट वॉल्यूम के डायमेंशन अभी हमने करे m0 l3 t0 इस तरह से हमारे दोनों अननोन्स a और b के डायमेंशन क्या हो जाते हैं फाइंड आउट हो जाते हैं ठीक है वॉल्यूम कैन बी सब्ट्रेक्टेड वाई वॉल्यूम यहां पर हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं और यहां पर हम प्रेशर का यूज करके ये दोनों सॉर्ट आउट कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एक्स इन द इक्वेशन विलोस्टी पावर एक्स है डिपोटेंशियल डिफरेंस है पावर थ्री बाय टू है और डेंसिटी माइनस थ्री बाय टू है तो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले विलोसिटी है तो वेलोसिटी का हमें पता ही है तो फिलहाल वेलोसिटी के डायरेक्ट डायमेंशन हमें पता है तो हम इसको एज इट इज रखते हुए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड में हमारे पास सॉल्वेशन के लिए है प्रेशर डिफरेंस जिसकी पावर हमें थ्री बाय टू है एंड मल्टीप्लीकेशन में आपके पास डेंसिटी है जिसकी पावर हमें माइनस थ्री बाय टू तो प्रेशर क्या है डायमेंशन एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर थ्री बाय टू और डेंसिटी के क्या होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम तो एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो का माइनस थ्री बाय टू पावर्स को मल्टीप्लाई करिए तो एम की पावर थ्री बाय टू आया एल की पावर माइनस थ्री बाय टू और टी की पावर टू के साथ टू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई एम की पावर माइनस थ्री बाय टू एल की पावर थ्री थ्री जा हाँ जी, नाइन और माइनस माइनस प्लस नाइन बाय टू और टी की पावर जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करिए तो वो क्या करता है सभी को जीरो करता है ये उसकी क्वालिटी है बे बेसेम पावर अप होंगी तो हमारे पास एम है पावर थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू तो कंबिनेशन के बाद पावर बन रही है जीरो एल की पावर माइनस थ्री बाय टू प्लस नाइन बाय टू और टी की पावर हमारे पास माइनस थ्री आ रही है इसको आप एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं तो एम की पावर जीरो एल की पावर क्या बनेगी बेस टू है नाइन में से थ्री निकाले सिक्स बाय टू और टी की पावर माइनस थ्री तो ये आपका सोलवेशन के बाद आता है एम जीरो एल थ्री टी माइनस थ्री तो ये हमारी राइट एंड सोल्व होगी डायमेंशन तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वेलोसिटी की पावर एक्स है तो वेलोसिटी क्या होती है एम जीरो एल वन टी माइनस वन ठीक है तो पावर एक्स मैं इसको करूं एम जीरो एल एक्स टी माइनस एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड ये फॉर्मूला करेक्ट है मैं करेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है तो हम कंपेयरिंग करेंगे यहां कंपेयरिंग कंपेरिंग पावर्स ऑफ एम एल टी तो यहां से हमने क्या देखा एम जीरो एल जीरो करेक्ट है एल की पावर एक्स है एल की पावर थ्री है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थ्री एल की पावर माइनस एक्स है तो माइनस थ्री अगेन यहां से भी क्या आता है माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तो फाइनली हम करें रिजल्ट तो हमारे एक्स की पावर कितनी आ रही है थ्री इज दैट क्लियर ओके नाउ अब हम चलते हैं अपने थर्ड यूजेस में डेवेशन ऑफ फार्मूला इट मीन्स हमने अपना फॉर्मूले जो हमें गिवन होगी स्टेटमेंट उसका फॉर्मूला ड्राइव करके देना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो इसमें हम अगेन आपका लास्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम वो यूज करने वाले हैं सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे वो हमें क्या बताता है कि वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स की हमने एक फॉर्मूला बनाना है जो फिजिकल क्वांटिटी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी हेल्प से तो यहाँ पे हम हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डिमेंशन इक्वल टू होते हैं राइट हैंड साइड के डिमेंशन बस इसी क्वालिटी को हम यूज करते आगे चलते हैं तो हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड अपॉन देव वेवलेंथ तो क्वेश्चन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपको सोलवेशन साथ साथ में देते हैं हमने सिंबल उठाने हैं वेलोसिटी कहता है तो डिपेंडेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्स्ट लेटर क्या है वेवलेंथ फर्स्ट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ हमने सीक्वेंस में चलना है हमने क्वांटिटी को शफल नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से याद रखिएगा जो फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस लैमडा देन सेकेंड क्या बोल रहा है वो डेंसिटी ऑफ वॉटर रो एंड थर्ड वन इज एक्सेलेशन ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस तरह से इसकी डिपेंडेंट्स है तो हम लेट कर लेंगे कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनलिटी है लैमडा की पावर ए रो की पावर बी और जी की पावर सी वे ए बी सी हमारे कांस्टेंट्स हैं जो हमारे पास फिलहाल अननोन है ठीक है दैट्स वैल्यू आर फाइन हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे फाइंड करने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्राइव तो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करते हैं हटाते हैं सम कांस्टेंट लगाते हैं तो हमने अल्फाबेट वो यूज करना है जो हमारे ऑलरेडी अल्फाबेट्स यूज में ना हो तो हमने के यूज करा लैमडा की पावर ए रो की पावर बी जी की पावर सी अब अप्लाई कर दिए सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले अप्लाई द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन बोथ साइड इस तरह से आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला एम जीरो एल वन टी माइनस वन ठीक है सम कांस्टेंट को एज इट इज ही लैमडा क्या है एक तरह की वेवलेंथ तो सिर्फ एल आएगा पावर ए रो इट मींस डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो की पावर बी एक्सेलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी एल वन टी माइनस तो पावर्स को अप्लाई करिए तो के ध्यान से देखिए तो हमारे पास फर्स्ट प्रेफरेंस आती है मास की तो मास यहां पे और कोई नहीं है तो यहां एम की पावर कितना है बी ठीक है एम वन इन टू बी एल कितने हैं तीन दिख रहे हैं तो हम पहले एल लिखेंगे एल वन इन टू ए ए बेसेम हो तो पावर अप होती है तो माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एल है उसकी पावर माइनस आ रही है तो प्लस माइनस माइनस होता है थ्री इन टू बी थ्री बी एल वन है इन टू सी प्लस सी इज दैट क्लियर यहां पे आपको क्लियर हो गया मैंने क्या करा मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड करके आपको डायरेक्ट करवा रही हूं उसके बाद हमारा आता है t तो t की पावर जीरो तो तो बचता है माइनस टू सी तो ये आपके डायमेंशन आ गए अब यहां पे हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप ये सेंटेंस लिखते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटी या फिर हम आप लिख सकते हो कंपेरिंग दी पावर्स ऑफ एम एल टी टी की पावर्स को कंपेयर करें तो हम कंपेयर करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में तो यहां एम की पावर जीरो है बे सेम हो तो पावर्स भी इक्वल टू के ऑपोजिट साइड से हो तो सेम होती हैं बी एम जीरो यहां पे एम बी है तो हम यहां पे तीन बॉक्स बना लेते हैं एम को कंपेयर करा तो बी की वैल्यू क्या आई जीरो ठीक है इसी तरह से एल को कंपेयर करा तो ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू वन और माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन थ्री माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू वन माइनस टू सी इक्वल टू वन तो बी तो हमारा डायरेक्टली सोल्व हो गया इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं तो सी की वैल्यू क्या आ रही है B और C है, A निकल सकता है तो ए की वैल्यू क्या थ्री टू जीरो माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन एक्वल टू वन प्लस वन बाय टू तो ए तो की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाय टू सॉरी बेटा यहां पे हमारा सी के साथ प्लस था तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं एक बार फिर से हम वापस रिवाइंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस टू सी की वैल्यू क्या है माइनस वन यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी मैंने माइनस वन नहीं लिखा तो ये माइनस माइनस रिजोल्व हो गया सी की वैल्यू क्या आ रही है प्लस वन बाय टू तो यहाँ पे प्लस वन बाय टू आएगा तो माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा टू माइनस वन बाय टू इजिकल टू वन बाय टू तो ए की वैल्यू क्या आई वन बाय टू ठीक है अब क्लियर हो गया तो बी की वैल्यू भी पता है ए की वैल्यू भी पता है और सी की वैल्यू भी पता है तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर हम वन यहां पे ये यह है बी के ए लैमडा की पावर ए रो की पावर बी और जी की पावर सी तो फ्रॉम वन सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू के पहला क्या था लैमडा की पावर ए मतलब वन बाय टू रो की पावर बी मतलब सीरो जी की पावर सी वन बाय टू तो वन टू क्या क्या करता है 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 किसी की भी पावर जीरो होती है, वो होता होता तो हमारे पास बच्चा, लैम्डा, लैम्डा, और जी को भी मैं क्या लिखूंगी अंडर उड़ जी तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो सम कांस्टेंट के अंडर उड़ लैमडा जी तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर है सभी बच्चों को नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ंग द मैथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो हम वी ले रहे हैं ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट पी बायल प्रेशियर ग्रेडियंट पी बायल गिवन दैट वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉफिशंट ऑफकोस्टी ईटा तो हमारे पास यहां इस जो हमारी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इसमें सिंबल्स uh, की ज्यादा प्रेफरेंस होती है इसलिए हमारे पास सिंबल गिवन होते हैं तो हमने उन्हीं को उठाना है जैसे ये वी आर ये और ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है हम लेट कर लेते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट क्वांटिटी है रेडियस की पावर ए प्रेशर ग्रेडियंट की पावर बी ये कंबाइंड वर्ड है तो हम कंबाइन लिखेंगे और ईटा की पावर सी तो विलोस्टी को हम समस्टेंट आर के लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका ठीक है अप्लाई करिए सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अप्लाइंग डायमेंशनली ऑन बोथ साइड तो वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो क्या होगा वेलॉस्टी होगा तो वेलोसटी का आपका क्या आएगा एम वन सॉरी एम जीरो एल वन टी माइनस वन रेट ऑफ फ्लो को एज इट इज आर क्या है दैट इज रेडियस मतलब L की पावर वन ए प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन एल हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको तो प्रेशर होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू तो ये एल वन हो गया तो ये वल अनबल ऊपर जाएगा तो माइनस टू टी माइनस टू ठीक है इज क्लियर तो एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू की पावर बी तो इटा क्या आ रहा है एम वन एल माइनस वन टी माइनस पावर सी हाँ जी बेटा यहां पे मैंने आप लोगों को अभी मेरे सॉरी टंग स्लिप होने से रेट ऑफ फ्लो है रेट ऑफ फ्लो जो होता है दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम तो वॉल्यूम अपॉन टाइम के हम डायमेंशन पुट करते हैं तो यहां पे हमारे डायमेंशन बनेंगे एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन अब क्लियर है हेयर वी इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो नॉट वेलोसिटी तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम तो फिर हमारे जो डिमेंशन बनते हैं वो बनते हैं एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो एल थ्री टी माइनस वन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस में एम सबसे पहले है एम की पावर बी और एम की पावर सी तो बन गया एम बी प्लस सी एल की पावर ए माइनस टू बी एंड माइनस सी उसके बाद टी की पावर माइनस टू बी माइनस सी देन कंपेयरिंग करिए कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी तो बेस है बी प्लस सी एम पावर जीरो है इधर बी प्लस सी है तो क्या आ गया तीन इक्वेशन बनेंगी हमारे पास बी प्लस सी इक्वल टू जीरो सेकेंड लेंथ को कंपेयर करा तो ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू थ्री फिर टाइम को कंपेयर करा तो माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू माइनस वन तो हम फर्स्ट में जाते हैं बी प्लस सी यहां से हमारे पास बी क्या निकला माइनस सी के इक्वल तो इसका इंप्लीमेंट हम यहां पे करते हैं b की वैल्यू क्या है माइनस सी तो हमने पुट करी तो माइनस माइनस प्लस टू सी माइनस सी इक्वल टू माइनस वन टू में से वन निकाले तो c कितना आ गया माइनस वन वापिस फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं तो c की वैल्यू क्या है माइनस वन तो b की वैल्यू क्या बनेगी माइनस एक ऑलरेडी उसके साथ है और एक c के साथ है तो b की वैल्यू आ गई वन इन दोनों की वैल्यूज मिड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो a माइनस टू वन माइनस माइनस वन इक्वल टू थ्री तो ए बना माइनस टू प्लस वन इक्वल टू थ्री ए माइनस वन प्लस टू माइनस वन इक्वल टू थ्री तो ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए इक्वल टू फोर तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाती हैं ए की वैल्यू हमारे पास फोर है बी की वैल्यू हमारे पास वन है और सी की वैल्यू हमारे पास है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन सारी वैल्यूज का हम पुट करते हैं तो हमारा रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ऑफ़ ऑन टाइम क्या बनता है सम कांस्टेंट के सबसे पहले आर था आर की पावर ए था ए कितना बन गया फोर प्रेशर ग्रेडियंट पी अपन पावर वन फिर ईटा की पावर माइनस वन तो माइनस वन इट मींस एक्चुअल में उसकी जगह कहाँ पे है डाउनवर्ड में तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया रेट ऑफ फ्लो का ऑफ अ पाइप पाइप में कितना पानी का लिक्विड का फ्लो होता है तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है वी इज इक्वल टू के आर की पावर फोर पी एल ईटा तो दिस इज होल डिस्क्रिप्शन ऑन डायमेंशनल एनालिसिस होप सो this is useful study material for all thanks for support thank uh, stay tuned